वडोदरा शहर के कारेलीबाग इलाके में स्थित चेपी रोग अस्पताल के मुख्य सड़क पर ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा है, लेकिन इस काम को अधूरा छोड़ जाने की वजह से रास्ते पर ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शहर के कारेलीबाग इलाके की, जहां पर चेपी रोग अस्पताल स्थित है। वही मुख्य सड़क पर लंबे वक्त से इस सड़क पर ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से यह काम निर्माण कार्य गलत हो गया और फिर बताया जा रहा है कि इस काम को फिर से किया जा रहा है और इस काम को भी बीच में अधूरा छोड़ा गया है। फिर से काम शुरू नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर इसी तरह ड्रेनेज लाइन का काम जिस तरह अस्त व्यस्त पड़ा हुआ आपको नजर आएगा, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं और ट्रैफिक की समस्या भी मुख्य सड़क पर बढ़ रही है। इस बात से नाराज सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने तंत्र पर नाराजगी जाहिर की है और प्रशासन से इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। आ वडोदरा शहर कारेलीबाग चेपी रोगना दवाखाना पासेनो रस्तो छे अने अहीं एक वरसादी कांस जे बनी रहे छे ने सीधा विश्वामित्री नदी में जाए छे। आ जग्या एक मोटो अहीं चौरस बम ए बनायेलो छे, एमने जे पाणी एमां पड़ीने आगळ जाय, परंतु आ जो सको केटला समयथी त्रिकोण आकारमां छे, तूटी गयेली हालतमां छे, सळिया पण बहार कटाई गया सळिया छे, साथे आ एवी वस्तु छे कि सीमेंट एक बार बन्या पछी एने तोड़ीने तमे फरीथी बनाव तो बनी शके एम नथी। त्यारे पण आ वडोदरा महानगर सेवा सदनना अधिकारीओ साथे एना स्थानिक नगरसेवको पण ध्यान आपे छे, छतां ए लोको कहे छे कि आ वस्तु चालशे, एटले के अहींया काक ने काक मोटी कटकी चाली रही तेवुं लाग्युं छे। જો આ વરસાદી કાંસ ચાલુ થયા પછી આમાંથી પાણી લીકેજ થશે એટલે પાછું આને કામ કરવાનું થશે અને અહીંના નગરસેવકો સાથે અહીંના અધિકારીઓ મસ્ત મોટો અહીંયા ભ્રષ્ટાચાર આ કાર્યકન્યાની પાટલા ભાગમાં કરી રહ્યા છે। અમારી વડોદરા શહેર કમિશનર સાહેબ, મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબને નમ્ર વિનંતી છે કે અહીંયા તાત્કાલિક તપાસ કરીને વિજિલન્સ તપાસ મૂકે તેવી અમારી માંગ છે।